गुड आफ्टरनून, मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ कंफर्म करना एवरीवन, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ कंफर्म कीजिए। हाँ आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? ओके पलक, बहुत बढ़िया, गुड आफ्टरनून। चलो हाँ जी बच्चों, तो आज का मुद्दा है, एक दो टॉपिक्स हम लोगों ने करने हैं, जो कि एक तो मैंने आपको बोला ही था विच इज़ रिलेटेड टू योर एग्रीकल्चर इनकम, और एक टॉपिक मैंने आपको बताया था अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ठीक है एवरीवन, मैं एग्रीकल्चर इनकम के बारे में कुछ ज़्यादा जो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं मैं आपको वो बताने वाला हूँ। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम के बारे में जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो मैं बताने वाला हूँ, और आज हम लोग ये दो टॉपिक को फिनिश करेंगे, और उसके बाद जितने टेस्ट सीरीज चल रही हैं उनके सॉल्यूशंस मैं लाइव क्लास में लिया करूँगा। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट होगी कि सॉल्यूशंस जो हैं उसके लिए आपको लाइव क्लास में आना होगा। ठीक है, अच्छा दूसरा ये है, जितने भी बच्चे अगर CMA और CS वाले स्टूडेंट्स हैं तो CMA CS वाले स्टूडेंट्स के लिए एक सेपरेट वीडियो आनी है, जिसके अंदर मैं CMA का जैसे ICDS है एक अलग टॉपिक है, PGBP के एप्लीकेंट का एक छोटा सा पार्ट रहता है, वो मैं आपको एक साथ कवर अप करूंगा, और ऐसे ही CS स्टूडेंट्स के लिए भी एक सेपरेटली कवर्ड होंगी, जिसमें मैट की भी एक टॉपिक होगा, तो वो दो तीन टॉपिक होंगे। ठीक है, मैट हो जाएगा आपका, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि थियोरेटिकल कुछ टॉपिक्स हैं, उसके अंदर भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। नाउ एवरीवन, हम लोग एक टॉपिक कर रहे हैं विच इज़ एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम, तो एवरीवन एग्रीकल्चर इनकम के बारे में आप क्या जानते हो? एग्रीकल्चर इनकम के बारे में आप क्या जानते हो? दैट एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 1। एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, हम लोग यही जानते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है टैक्स से, है कि नहीं? हम लोग यही बात जानते हैं। सर एग्रीकल्चर इनकम कहां से एग्जेम्प्ट होती है? एग्रीकल्चर इनकम अगर आप इंडिया से कमाते हो तो एग्जेम्प्ट होती है, अगर आप आउटसाइड इंडिया से कमाओगे तो एग्जेम्प्ट नहीं होगी। समझ में आ गई बात? एग्जेम्प्ट तब होगी जब आप इंडिया से कमाते हो, तो गवर्नमेंट एनकरेज करती है कि आप एग्रीकल्चर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर से जुड़े, और जो भी इससे इनकम कमाई जाएगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल सी बात थी ये, बट दिक्कत क्या है कि कुछ ऐसे इनकम्स होती हैं, कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसके अंदर एग्रीकल्चर भी होता है और नॉन एग्रीकल्चर भी एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, एक्टिविटीज विच आर, मैं थोड़ा सा नोट्स लिखवाऊंगा आपको, प्लीज मैं चाहूंगा कि आप लोग इन नोट्स में जरूर इसको नोट्स को नोट करेंगे सारा। एक्टिविटीज विच आर पार्शियली एग्रीकल्चरल एंड पार्शियली नॉन एग्रीकल्चर, ऐसी एक्टिविटीज के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जो एक्टिविटीज पार्शियली एग्रीकल्चरल है और पार्शियली नॉन एग्रीकल्चरल है। देखो ये मैंने नहीं बनाया है, गवर्नमेंट ने पहले से ही बना दी है कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिनको एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों बोला गया। आप लोग तो जानते ही हैं, आप लोग तो फास्ट ट्रैक क्लासेस के अंदर हैं, तो भाई मुझे बता दो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं, ऐसी एक्टिविटीज जो एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर दोनों है। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी का काम करते हो, जैसे कि टाटा टी, एग्जाम्पल में टाटा टी ग्रो भी करती है और मैन्युफैक्चर भी करती है, ग्रो मतलब वो फार्मिंग भी करती है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। ऐसे केस में ये पता लगाना बहुत मुश्किल था कि टाटा टी की कितनी इनकम एग्रीकल्चर और कितनी नॉन एग्रीकल्चर है।
तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि टी के लिए क्या बोल दिया, 60% जो आपकी टोटल इनकम होगी, टोटल इनकम का 60% एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, यानी वो एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। और 40% ऑफ द टोटल इनकम, 40% ऑफ द टोटल इनकम क्या मानी जाएगी पता है? नॉन एग्रीकल्चर मानी जाएगी। सो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आप टी की ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो तो उसकी जो बिजनेस है, उस बिजनेस से जो भी आप इनकम कमा रहे हो, मतलब ओवरऑल जब उस बिजनेस से इनकम कमा रहे हो, उस बिजनेस से जो इनकम है उसका 60% एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, यानी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और 40% बिजनेस इनकम माना जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसमें दोनों चीजें होती हैं, तो गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या बना दिए? रूल्स बना दिए। इसी तरीके से अगर आपका काम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबड़ है, क्या है? रबड़, तो ऐसे केस में 65% ऑफ द टोटल इनकम इज एग्रीकल्चर इनकम। और 35% ऑफ द टोटल इनकम इज नॉन एग्रीकल्चर, यानी बिजनेस इनकम। तो जैसे टी है वैसे ही रबड़ के लिए भी गवर्नमेंट ने बनाया कि कितनी परसेंट एग्रीकल्चर मानी जाएगी और कितनी परसेंट नॉन एग्रीकल्चर मानी जाएगी। गवर्नमेंट ने क्लियरली क्यों बनाया? क्योंकि गवर्नमेंट को लगा कि भाई ये वो चीजें हैं जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश में, गुड्स मैन्युफैक्चर होकर ये एक्सपोर्ट होते हैं, तो रबड़ का काम बहुत अच्छा है हमारे देश के अंदर, टी का काम बहुत अच्छा है हमारे देश के अंदर, इनफैक्ट कॉफी का काम भी बहुत अच्छा है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉफी। और गवर्नमेंट ने बोला कॉफी के अंदर दो केस होंगे, एक तो होगा ग्रोन एंड क्योर्ड, सिर्फ ग्रो किया, क्योर किया और उसके बाद बेच दिया, ऐसे केस में 75% ऑफ द टोटल इनकम इज एग्रीकल्चर और 25% ऑफ द टोटल इनकम इज नॉन एग्रीकल्चर। समझ में आती है बात? ये नॉन एग्रीकल्चर है। अगर हम बोले ग्रोन, रोस्टेड एंड क्योर्ड, यानी एक रोस्टेड वर्ड आ गया है, इसको हम लोग रोस्टेड कॉफी भी बोलते हैं, अगर ये प्रोसेस होने के बाद को आपने कॉफी बिजनेस से कॉफी बेची है, तो ऐसे केस में 60% ऑफ द टोटल इनकम, जो कि टी वाला है बिल्कुल वैसा ही, 60% ऑफ द टोटल इनकम इज कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चर इनकम एंड 40% ऑफ द टोटल इनकम इज कंसिडर्ड एज नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इज दैट क्लियर दोस्तों? मेरे कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि भाई अगर मैं टी का ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों काम करता हूं तो 60% एग्रीकल्चर, 40% नॉन एग्रीकल्चर, क्योंकि लोग टी का ग्रोइंग का भी काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का भी, जैसे टाटा टी करता है, वैसे ही रबड़ के लिए भी है और वैसे ही कॉफी के लिए भी है। तो गवर्नमेंट ने इन इनकम्स को क्या कर दिया, इन इनकम्स को जो भी आप लास्ट में इनकम कमा रहे हो ना, उसका कुछ पोर्शन एग्रीकल्चर बोल दिया और कुछ पोर्शन नॉन एग्रीकल्चर बोल दिया। एग्रीकल्चर वाला पोर्शन एग्जेम्प्ट है, नॉन एग्रीकल्चर वाला पोर्शन टैक्सेबल है, यह बात हम लोग जानते हैं। Is that clear? तो ऐसे केसेस जहां पर कुछ एक्टिविटीज पार्शियली एग्रीकल्चर मानी जाती हैं और कुछ एक्टिविटीज नॉन एग्रीकल्चर मानी जाती हैं, वो है आपके सामने। अब सर ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, और आप कहते हो एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट होती है, तो एग्रीकल्चर इनकम तो कभी भी टैक्स नहीं लगेगा। बेटा मैंने बताया एग्रीकल्चर इनकम पे कभी भी टैक्स नहीं लगेगा। हां जी लग सकता है, टैक्स लग सकता है अगर आप एग्रीकल्चर के साथ साथ नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी कमाते हो। तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसे लोग जो कि इंडिविजुअल हैं, HUF हैं, AOPBOI हैं, AJP हैं, मतलब ये वो लोग हैं जिनकी स्लैब इनकम होती है, और ऐसे लोगों की स्लैब इनकम के बेसिस पे टैक्स लगता है। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसे लोगों के लिए अगर आप एग्रीकल्चर के अलावा नॉन एग्रीकल्चर दोनों तरह की इनकम्स कमाते हो ना, तो हम तुम्हारे ऊपर एक मेथड लगा देंगे विच इज कॉल्ड एज पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड। क्या लगा देंगे? पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड। ये मेथड हम तुम्हारे ऊपर अप्लाई कर देंगे अगर तुम एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ साथ नॉन एग्रीकल्चर से भी कुछ इनकम कमाते हो तो। ठीक है सर, पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड सर समझ में आता है तो बहुत ही आसान है सर। ये इंटीग्रेशन मैथ्स और इंटीग्रेशन नहीं, पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि आपको अपनी एग्रीकल्चर इनकम पर भी क्या देना पड़ जाएगा? टैक्स।
मैं लिख देता हूं, दिस मेथड इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट असेसी विल बी लायबल टू पे टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम ऑल्सो, ऑन एग्रीकल्चर इनकम ऑल्सो, मतलब इस तरीके से टैक्सेबल होगा, इस तरीके से इसके ऊपर टैक्स लगेगा इस मेथड, ये मेथड ऐसा है कि जिसमें एग्रीकल्चर इनकम पर भी क्या लग जाएगा टैक्स, नॉन एग्रीकल्चर पे तो टैक्स लगेगा ही, एग्रीकल्चर में भी टैक्स लग जाएगा। अब पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर ये एप्लीकेबल है, एप्लीकेबिलिटी ये मेथड किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है किसके ऊपर एप्लीकेबल है, दिस मेथड इज एप्लीकेबल, दिस मेथड इज एप्लीकेबल ऑन एवरी इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एओपी बीओआई एंड एजेपी। बेसिकली मैंने नाम पता किसका लिया है, स्लैब इनकम वाले लोग, स्लैब इनकम वाले लोग, स्लैब इनकम वाले लोगों के ऊपर ये मेथड एप्लीकेबल है, ठीक है। अदरवाइज ये मेथड हम लोग नहीं लगाएंगे, ये मेथड लगाएंगे ही किसके ऊपर, जिनके ऊपर स्लैब इनकम अप्लाई होता है। मेथड है क्या वो मैं बताने वाला हूं, बट पहले आपको ये जानना है कि ये मेथड लगता ही किसके ऊपर है, स्लैब इनकम वाले लोगों के ऊपर, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई। अच्छा ये मेथड लगेगा कब, जब आप एक इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई या एजेपी हो। दूसरा ये मेथड जो है ये तब लगेगा जब आपकी जो नॉन, दिस मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन नॉन एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड्स स्लैब एग्जेम्पशन लिमिट। आपकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होनी चाहिए ना, नॉन एग्रीकल्चर मतलब बिजनेस वाली, वो कम से कम इतनी होनी चाहिए कि वो स्लैब लिमिट से ज्यादा हो। अब ये स्लैब लिमिट क्या होती है पता है आपको, 2.5 लाख, 3 लाख या फिर 5 लाख। आपकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है ना, वो आपकी इस इनकम से कम ज्यादा होनी चाहिए, इतनी इनकम से तो ज्यादा होनी चाहिए, तभी हम आपके ऊपर ये मेथड लगा पाएंगे। इसके अलावा दिस मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड्स रुपीज 5,000। एग्रीकल्चर इनकम आपकी कितनी है, 5,000 रुपए। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम एटलीस्ट 5,000 रुपए है ना, ठीक है, तो आपको तो ये देखो मेथड आपको तब लगेगा, ये मेथड तब लगेगा जब आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है। अच्छा आपकी स्लैब लिमिट नॉन एग्रीकल्चर इनकम की वजह से, आपका जो स्लैब लिमिट है नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो ज्यादा है स्लैब लिमिट से, कह रहे ये दो शर्तें पूरी होती हैं तो मैं आपके ऊपर ये मेथड लगा दूंगा, वरना ये मेथड नहीं लग सकता। ये मेथड लगेगा ही कब, जब आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा होगी और स्लैब इनकम जो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो एटलीस्ट स्लैब लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आती है, जल्दी बताओ यस और नो, जल्दी बताओ दोस्तों यस और नो। एक मिनट रुकना बेटा, एक मैसेज आया है, एक मिनट के लिए बस।
समझ में आ गई बात? चलो तो हम लोग पढ़ रहे थे कि ये मेथड जो है कब लगता है, ये मेथड तब लगता है जब आपकी एग्रीकल्चर इनकम के साथ नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी हो। ये मेथड लगेगा ही तब जब आपकी एग्रीकल्चर इनकम के साथ नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी हो, और आपकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो एटलीस्ट लैब लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए, और आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो आपकी एटलीस्ट 5,000 पर एनम से ज्यादा होनी चाहिए, 5,000 पर एनम से ज्यादा होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? तो एटलीस्ट ये दो बातें आपकी पूरी होती हैं, तीन कंडीशंस पूरी होती हैं, तो हम आपके ऊपर क्या लगाएंगे, पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड लगाएंगे। ये रो आया आपके सामने, इज दैट क्लियर? अब सर मेथड है क्या चीज, ये मेथड तो बता दो। आओ जरा मेथड भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। अच्छा मैं आपको बता दूं, ये जो एग्रीकल्चर का हम लोगों ने प्रॉपर्टी वाला केस पढ़ा था वो मैं कैपिटल गेन में ऑलरेडी करा चुका हूं, मुझे याद है, आप लोग भी देख लेना। कैपिटल गेन चैप्टर में मैं ऑलरेडी एग्रीकल्चर लैंड के बारे में बता चुका हूं, यस और नो? आप लोग तो देख रहे हो क्लासेस, जो क्लासेस देख रहे हैं उनको पता है कि एग्रीकल्चर लैंड वाला जो केस है वो मैं ऑलरेडी आपको कैपिटल गेन चैप्टर में करा चुका हूं, तो मैं इसमें नहीं करा रहा दोबारा। हालांकि वो पार्ट एग्रीकल्चर का ही है, वही जो कि आप का जो एरिया है वो अगर 2 किलोमीटर तक का है तो क्या होगा, 2 से लेके 6 किलोमीटर तक का है तो क्या होगा, 6 से 8 है तो क्या, तो वो वाला केस है ना, वो सब चीजें मैं कैपिटल गेन चैप्टर में करा चुका हूं। मैं अब जो यहां पर करा रहा हूं, यहां पे सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है? इज दैट क्लियर? नाउ मेथड, और जो भी जो कि बहुत एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड में सबसे पहले मेथड की जब हम बात करते हैं, स्टेप नंबर वन, यहां पर बात करते हैं कि क्या करना है, कंप्यूट टैक्स ऑन क्या, एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम, इन दोनों को ऐड करके जो इनकम आएगी ना इसके ऊपर क्या निकालो, टैक्स निकालो, स्टेप नंबर टू। अच्छा इसमें एक्सक्लूडिंग सेस, इसमें सेस अभी ऐड नहीं करना, सरचार्ज ऐड नहीं करना, सेस एंड सरचार्ज, समझ गए बात? टैक्स निकालो नॉर्मल तरीके जैसे आप निकालते हो एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर को ऐड करके। स्टेप नंबर टू, कंप्यूट टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, मैं यहां पर भी लिख देता हूं एग्रीगेट ऑफ एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर, कंप्यूट टैक्स ऑन एग्रीगेट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम प्लस स्लैब एग्जेम्पशन लिमिट, ये दोनों इनकम को कंबाइन करो दोस्तों, और ये जो दोनों इनकम को कंबाइन करने के बाद टैक्स आएगा वो टैक्स निकाल दो, ठीक है? स्टेप नंबर टू है कंप्यूट टैक्स ऑन एग्रीगेट ऑफ एग्रीकल्चर प्लस स्लैब एग्जेम्पशन लिमिट। और स्टेप नंबर थ्री पता है क्या है, स्टेप नंबर थ्री है स्टेप वन माइनस स्टेप टू। तो जो आपका स्टेप वन में टैक्स आ रहा होगा एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर को ऐड करके जो टैक्स आ रहा होगा उसके ऊपर, प्लस उसमें से माइनस कर देंगे जो ऐसा टैक्स है जो कि आपका बनता नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम तो वैसे ही एग्जेम्प्ट होनी चाहिए, बोलो हाँ या ना, एग्रीकल्चर इनकम तो वैसे ही एग्जेम्प्ट होनी चाहिए और स्लैब एग्जेम्पशन लिमिट पे तो टैक्स लगता ही नहीं है। तो बेसिकली इन दोनों को मर्ज करके चेक करना है कि आपकी इनकम कितनी बन रही है, और ये दोनों के ऊपर टैक्स निकालने के बाद आप स्टेप वन में से स्टेप टू माइनस कर दोगे, स्टेप वन में से स्टेप टू माइनस कर दोगे तो ये जो टैक्स आएगा वो आपको पे करना है, प्लस अगर सरचार्ज है, अगर सरचार्ज है तो वो पे करना है, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये भी पे करना है, टैक्स ऑन टैक्स, और ये आ जाएगा बेटा मेरा टोटल टैक्स लाइबिलिटी। मेरी बात समझ में आ रही है तो बताओ एवरीवन? बेटा देखो छोटी छोटी बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं ये क्लास क्यों करा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है इस पॉइंट का, इस छोटी छोटी बातों का, ये जो एग्रीकल्चर और ये जो है ना, कई बार एग्जाम में इसके ऊपर बहुत भयानक क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। स्टेप वन मेथड एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर को ऐड करके टैक्स निकाल लो, स्टेप टू एग्रीकल्चर और स्लैब एग्जेम्पशन लिमिट को निकाल के टैक्स निकाल लो, ऑब्वियसली एक्सक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस, ये भी एक्सक्लूडिंग सरचार्ज है, सरचार्ज एंड सेस ये दोनों एक्सक्लूड करके, और फिर स्टेप वन माइनस स्टेप टू करने के बाद जो टैक्स आएगा ना उस पर सरचार्ज लगाओ, उस पर सेस लगाओ। समझ में आ गई बात? आपको इस तरीके से करना है, दैट्स इट।
बस। अच्छा, इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है। एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है बेटा, देखो फार्म बिल्डिंग से अगर आप रेंट कमाते हो तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है। क्रॉप्स को बेचकर जो कि आप प्रोसीड्स, क्रॉप को बेचकर जो प्रोसीड्स आपके हाथ में आते हैं, क्रॉप्स को बेचकर जो प्रोसीड्स आपके हाथ में आते हैं वो भी एक एग्रीकल्चर इनकम है। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली आप अगर एग्रीकल्चर, अगर आप लैंड से, एग्रीकल्चर लैंड से आप कुछ भी प्रोसेसिंग करते हो ना, तो उससे जो भी आपकी इनकम होती है वो सारी की सारी क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है। वो सारी की सारी क्या है, एग्रीकल्चर इनकम। मैं आपको एक बारी जो डेफिनेशन है मैं वो आपके साथ एक बारी सिर्फ बोल देता हूं, डिस्कस कर लेता हूं कि जो एग्रीकल्चर इनकम है वो बेसिकली क्या लिखा गया है। एग्रीकल्चर इनकम, देखो एक तो मैंने आपको बताया जो आपका प्रोसेस है रिलेटेड टू कल्टीवेशन, और कल्टीवेशन करने में क्रॉप्स को बेचना, दिस इज एग्रीकल्चर। नंबर दो, अगर आप ये कहते हो कि फार्म लैंड से अगर आपने कुछ कमाया तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम है, फार्म लैंड से रेंट कमाया वगैरह। नंबर तीन, नर्सरी, अगर आप प्लांट्स लगाते हो, प्लांट्स ग्रोन इन नर्सरी, बेटा आपने देखा होगा बहुत ही जगहों पर एग्रीकल्चर लैंड पे प्लांट्स लगाने के बाद उसको एक नर्सरी बना दी जाती है, ऊपर उसको शेड लगा दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है, उसमें ऑटोमेटिकली वाटर स्प्रिंकल होते रहते हैं और सनलाइट आती रहती है। तो बेसिकली क्या है कि एक एक नर्सरी बनाई जाती है प्लांट्स के लिए, जो प्लांट्स को बेचना अंडर अ नर्सरी जो ये होता है ना, ये भी एग्रीकल्चर इनकम कहलाता है। सो गवर्नमेंट ने इसको भी एग्रीकल्चर इनकम का नाम दिया, ठीक है। तो ये सब वो चीजें हैं जो एग्रीकल्चर इनकम होती है। अब आओ जरा एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, आओ जरा एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 21-22 द नेट एग्रीकल्चर इनकम ऑफ एसएससी इज 7,86,000, नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज 3,30,000, द टैक्स पेयर कॉन्ट्रीब्यूट 40,000 टुवर्ड्स पीपीएफ, फाइंड आउट द टैक्स इफ टैक्स पेयर इज मिस्टर एक्स एन इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर वन का ए पार्ट, मिस्टर एक्स इंडिविजुअल, ध्यान से देखना। अगर मैं कहूं कि एक मिस्टर एक्स के लिए मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे याद रखना चाहिए कि हां सर इसके लिए स्लैब इनकम होती है, तो यस इस पर पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड लगेगा। तो करना क्या होता है सर, आपको क्या करना है, आपको स्टेप नंबर वन सबसे पहले क्या करना है बताओ। एग्रीकल्चर इनकम आपको दी हुई है 7,86,000, 786 प्लस आप इसके अंदर नॉन एग्रीकल्चर इनकम ऐड कर लो 3,30,000। आई होप आप में से जो भी क्लास में बैठे हैं उनको टैक्स निकालना एटलीस्ट आता है। 7,86,000 प्लस 3,30,000, और जिनके पास बुक नहीं है तो प्लीज बुक जो है मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि फास्ट ट्रैक ग्रुप, फास्ट ट्रैक बैच के नाम से बनाया हुआ है, ठीक है, प्लीज उसके अंदर आपको मिल जाएंगी बुक्स। 7,86,000 और मतलब नोट्स मिल जाएंगे। 7,86,000 प्लस 3,30,000 आ रहा है 11,00,000, 786 प्लस 3,30,000 11,16,000, जिसमें से आपने 40,000 रुपये पीपीएफ कंट्रीब्यूशन किया है। अच्छा सॉरी, पीपीएफ कंट्रीब्यूशन नॉन एग्रीकल्चर में से पहले ही माइनस कर देना चाहिए था मुझे, मैंने किया नहीं। नॉन एग्रीकल्चर आपको कितनी दी थी 330 ना, तो उसमें से 40,000 पीपीएफ डाला है तो बेसिकली ये 290 आना चाहिए, यहीं पर ही कर देना चाहिए टोटल में से, नहीं एग्रीकल्चर इनकम में से तो पीपीएफ का मतलब ही नहीं बनता ना, वो तो वैसे ही एग्जेम्प्ट है। तो 786 प्लस 290 दैट शुड बी 10,76,000, क्या होना चाहिए 10,76,000, ठीक है जी 10,76,000 होना चाहिए यहाँ, 10,76,000। अब इसके ऊपर मुझे टैक्स निकालना है, यही करना ना, इसके ऊपर टैक्स निकालना है। पहले 2,50,000 पर 0, अगले 2,50,000 पे 5%, अगले 5,00,000 पे 20%, बैलेंस 76,000 पे 30%। तो 2,50,000 पर 0, 2,50,000 पे 5%, 12,500, ठीक है, फिर 5,00,000 रुपए पर, फिर 5,00,000 रुपए पर 20%, 1,00,000, और बैलेंस कितना आ रहा है, बैलेंस बैलेंस है 76,000, 76,000 पे 30%, 76,000 पे 30% आ रहा है 22,800।
मेरा टोटल ही आ रहा है 1 लाख प्लस 22,800 प्लस 12,500, 135,300, 135,300 मैंने आपको बताया था सेस अभी ऐड मत करना, तो ये मेरा टैक्स आ गया। स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू है एग्रीकल्चर के अंदर स्लैब लिमिट ऐड कर दो। एग्रीकल्चर इनकम कितनी है 7,86,000, इसमें स्लैब लिमिट ऐड कर दो। स्लैब लिमिट कितनी है 2,50,000, तो 786 प्लस 2,50,000 ये आ गया 10,36,000। अब इसके ऊपर टैक्स निकाल देते हैं, पहले 2,50,000 पर जीरो, अगले 2,50,000 पर 5% यानी 12,500, अगले 5,00,000 पे 20% यानी 1,00,000, और बैलेंस रह गया 36,000 पर 30% विच इज 10,800। तो ये हो गया टोटल 1,35,800, नहीं सॉरी 1,00,000 या 1,00,000 प्लस 12,500 प्लस 10,800, 123,300 ये आ रहा है टोटल 123,300। अब मुझे क्या करना है, स्टेप थ्री अप्लाई करना है, और स्टेप थ्री क्या है पता है, स्टेप थ्री इज स्टेप वन माइनस स्टेप टू। अब स्टेप वन से टैक्स कितना आ रहा है 135,300 माइनस 123,300, और ये माइनस करने के बाद 12,000 रुपए का टैक्स आ रहा है। इस 12,000 रुपए के टैक्स के अंदर आपको लगेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि 4% होता है, 480 रुपए। तो आपका टैक्स बन गया 12,480 रुपए। कोई डाउट है तो बताओ, एनी डाउट एवरीवन, एनी डाउट? तो बहुत आसान है, पहले आपने एग्रीकल्चर के अंदर अपनी नॉन एग्रीकल्चर इनकम ऐड कर दी और उस पर आपने टैक्स निकाल दिया, फिर आपने स्टेप टू में एग्रीकल्चर के अंदर स्लैब लिमिट ऐड कर दी और फिर टैक्स निकाल दिया। तो टैक्स निकालने के बाद एग्रीकल्चर स्टेप वन और स्टेप टू को माइनस कर देंगे तो आ रहा है 12,000 रुपये, ठीक है? और वो 12,000 रुपये पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करेंगे 4% का, तो आपका आ गया 12,480 रुपये का टैक्स। सिमिलरली इन द केस ऑफ HUF, HUF के केस में भी सेम आंसर रहेगा, बताओ यस और नो? बी पार्ट, HUF के केस में भी सेम ही आंसर रहेगा, सेम एज ए। क्यों? स्लैब लिमिट तो वही है 2,50,000, तो इसमें भी तो सेम ही आंसर आएगा। सी पार्ट, जेड एन कंपनी एंड फर्म, अगर मैं जेड एन कंपनी होता यानी कोई फर्म होता तो ऐसे केस में पता है कैसे टैक्स लगेगा, कि आपकी जो भी एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, जो भी एग्रीकल्चर इनकम है वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। कितनी है एग्रीकल्चर इनकम? एग्रीकल्चर इनकम कितनी है 7,86,000, ये तो आपकी पूरी पूरी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। और एक हो जाएगी नॉन एग्रीकल्चर इनकम, तो एक तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट हो गया, नॉन एग्रीकल्चर हो गया 2,90,000, और 2,90,000 पे आपको पे करना पड़ेगा फर्म के हिसाब से 30%। 2,90,000 उसका फर्म का होता है 30% रेट, 87,000 का टैक्स आएगा प्लस हेल्थ एजुकेशन सेस 4%। 87,000 का 4% होता 3,480, और टोटल मिला के आ रहा है 90,480। चेक करो क्या आप लोगों ने इसी तरीके से किया इसको। जेड एन कंपनी, ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम में जेड एन कंपनी के लिए टैक्स क्या लगेगा, 30%, 30%। अच्छा इसी तरीके से देखें जरा, तो डी में एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी की बात कर रहा है, एक्स वाई जेड लिमिटेड की बात कर रहा है, तो ये अगर एक कंपनी होती तब भी मेरा आंसर सेम रहता, या फिर इससे बेटर होता। वैसे एक्स वाई जेड कंपनी जो कि रेजिडेंट है, क्या है, रेजिडेंट सर, एक्स वाई जेड लिमिटेड, सॉरी एक्स वाई जेड लिमिटेड, लिमिटेड जो कि इंडिया की रेजिडेंट है, एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी, और एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी को टैक्स कैसे देना पड़ेगा, कि एग्रीकल्चर जो आ रहा है, एग्रीकल्चर इनकम जो आ रही है कितनी आ रही है 7,86,000,
ये तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट कर देंगे, और जो आपका नॉन एग्रीकल्चर है, नॉन एग्रीकल्चर है वो कितना है, 87,000। ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम, वैसे नॉन एग्रीकल्चर इनकम पूछ रहे हो तो 290, और इस 290 के ऊपर टैक्स लगेगा। नॉन एग्रीकल्चर इनकम आपकी 290, और 290 पे के ऊपर टैक्स लगेगा। अरे हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हैं यार, गलती हो गई, ये ध्यान भी नहीं दिया। फर्म तो भाई, फर्म को पीपीएफ की डिडक्शन थोड़ी ना मिलती है, बिल्कुल सही बात है। सॉरी मेरी मिस्टेक है बेटा, मेरी मिस्टेक है, मेरी मिस्टेक है, मैं मानता हूँ यहाँ गलती हो जाती है। 3,30,000 ही रहेगा पीपीएफ की कॉन्ट्रीब्यूशन की डिडक्शन, फर्म को या कंपनी को नहीं मिलती है ना। तो 99,000 रुपये का टैक्स आ गया, 99,000 का टैक्स आ गया, 99,000 का 4%, 3,960, 3,960। तो ये आ गया 99,000 प्लस 3,960 विच इज 1,02,960। ये आपका टोटल टैक्स बनेगा, और यही आपका कंपनी में, कंपनी में क्या है कि देखो कंपनी में बोल दिया गया 25% टैक्स देना है, तो ये 290 की जगह एक तो 330 आएगा, और 330 के ऊपर 25% के हिसाब से टैक्स लगा देते हैं, तो 330 पे 25% के हिसाब से 82,500 आता है, और 82,500 के ऊपर सेस ऐड कर दे जरा 4% का, तो यार 3,300, ये हो गया 85,800 का टैक्स, 85,800 का टैक्स। इज दैट क्लियर टू एवरी वन? 2 मिनट में आया। हाँ जी, तो पीपीएफ की डिडक्शन नहीं मिलेगी, बिल्कुल ठीक बात है, पीपीएफ की यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगी, यहाँ पर ना ही एक्स वाई जेड कंपनी के केस में मिलेगी और ना ही आपको फर्म के केस में मिलेगी। ठीक है, वो गलती से पहले ठीक कर दिया मैंने अब आपका। ठीक है, अब आ गया। तो इस तरीके से आपको पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड तो चलो मैंने समझा ही दिया था, ए पार्ट में पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड और बी पार्ट में भी सेम। अब आगे आ जाओ, मैं और एक क्वेश्चन देखता हूँ, सीएमए इंटर दिसंबर 2019 में आया हुआ ये क्वेश्चन, 6 नंबर का। ये देखो, परीक्षित इज एंगेज इन ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया, हिज प्रॉफिट इज 10 लाख विच इंक्लूड प्रॉफिट ऑफ 2 लाख फ्रॉम द सेल ऑफ ग्रीन लीव्स प्लग्ड इन हिज ओन गार्डन। अब आपके पास 10 लाख रुपए की कमाई है, ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग टी का आपका काम है, विच इंक्लूड्स प्रॉफिट ऑफ 2 लाख फ्रॉम द सेल ऑफ ग्रीन लीव्स प्लग्ड इन हिज ओन गार्डन। अपने ही गार्डन के अंदर 2 लाख रुपए का तो वो प्रॉफिट कमाता है, ठीक है, ग्रीन लीव्स को प्लग करने की इनकम कमाता है, और उसके पास कोई और इनकम नहीं है। मुझे एक बात बता दो, अगर ये 10 लाख रुपए ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग टी है, ठीक है, तो हमें इसको क्या कर देना चाहिए, 60 एंड 40%। ठीक है, और अगर आपको ये पता चलता है जिसमें से 10 लाख में से 2 लाख रुपए का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ सेल ऑफ ग्रीन लीव से है, ठीक है, और ग्रीन लीव जो है ये टी वाली लीव की बात ही हो रही है, तो ऐसे केस में अगेन ये एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, ये एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। सर इस इनकम को आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, 10 लाख रुपए का 60% एग्रीकल्चर और 40% नॉन एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 3 दिखा रहा हूं मैं आपको, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है पता है, आपको पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड लगाना है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अशोक सूरत फर्निशेज यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 2021, इनकम फ्रॉम कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड इन कूर्ग कर्नाटका, कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड है ये, यानी 75 75 25। देखो कई तरह की वैरायटी आ सकती है क्वेश्चंस में, आपको इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो तो आपको एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर। जैसे फर्स्ट पार्ट में 3 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए में से 75%, 3 लाख रुपए का 75% एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और 25% नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी।
इनकम फ्रॉम टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन असम, असम इंडिया में ही आता है, तो ये टी है, टी है, तो 2.5 लाख रुपए का 60% एग्रीकल्चर होगा और 40% नॉन एग्रीकल्चर होगा, ठीक है जी। थर्ड, इनकम फ्रॉम रबर एस्टेट्स इन केरला बाय सेल ऑफ फील्ड लेटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम रबर प्लांट्स ग्रोन इन देयर, तो आपने रबर प्लांट से उसका प्रोसेसिंग करने के बाद उसको बेचा, यानी रबर की इनकम है ये, और रबर की जो इनकम होती है ना प्रोसेसिंग करने के बाद वो होती है 65-35, तो यहां पर आएगा रबर में 4 लाख रुपए की इनकम है, 4 लाख रुपए का 65, 4 लाख रुपए का 65% इज 260 और 35 हो जाएगा 140। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि नर्सरी से आपने इनकम कमाई है, देखो नर्सरी से इनकम कमाना ये तो प्योरली एग्रीकल्चर इनकम है 2 लाख रुपए की, ठीक है, और रेंट फ्रॉम ड्वेलिंग हाउस इन एग्रीकल्चर लैंड इन कुर्ग कर्नाटका, अब आपके पास कोई रेजिडेंशियल हाउस था, इट इज ऑक्यूपाइड बाय कॉफी एस्टेट लेबर, ये जो रेंटल इनकम है ये कौन सी इनकम है ये एग्रीकल्चर लैंड की, बट ड्वेलिंग हाउस मतलब वहां पे रेजिडेंशियल पर्पस के लिए इसको यूज किया जा रहा है, और आपने यहाँ पर एक अपनी एग्रीकल्चर लैंड जो है वो ड्वेलिंग हाउस यानी किराए पर दे दी है, ऐसे केस में क्या होगा? रेंट फ्रॉम ड्वेलिंग हाउस एग्रीकल्चर लैंड, ये एग्रीकल्चर लैंड है और एग्रीकल्चर लैंड से अगर रेंट मिलता है तो ये एग्रीकल्चर इनकम कहलाई जाएगी, यानी 90,000 रुपये भी कहाँ जाएगा? एग्रीकल्चर इनकम में। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर सेपरेटली निकालना था, और मैंने क्या कर दिया, 2,25,000, 1.5 लाख, 260, 2 लाख प्लस 90,000, यानी 9,25 हो गई आपकी एग्रीकल्चर इनकम, और 75, 1 लाख और 1,40,000, 3,15,000 हो जाएगी आपकी नॉन एग्रीकल्चर। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से आगे क्वेश्चन कहता है, मिस्टर अवनी अ रेजिडेंट एज 25 years, टी लीव्स फ्रॉम टी प्लांट्स ग्रोन बाय हिम टू इंडिया, दे वाज देन सोल्ड इन इंडियन मार्केट फॉर 40 लाख, द कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग टी प्लांट्स इज 15 लाख और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टी लीव्स इज 10 लाख, तो मेरे पास दो खर्चे हैं ग्रोइंग के और उसके मैन्युफैक्चरिंग के, तो 15 और 10 हो गए 25, 25 मैंने 40 में से माइनस किए बचे 15, अब ये जो 15 लाख रुपए की इनकम है उसका 60-40 मैं कर दूंगा क्योंकि टी का केस है, ये कौन सा केस है, टी का, तो भाई 40 माइनस 15 माइनस 10 विच इज 15 लाख रुपए, अब 15 लाख रुपए जो आएगा उसका हम 60-40 कर देंगे, और आगे कैसे करना है आप जानते हो, 60 लाख 40 लाख करने के बाद मिस्टर अवनी एक इंडिविजुअल है और वो जो इंडिविजुअल है उसके बेसिस पर उसका स्लैब वैसे ही एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर करके टैक्स निकालो, फिर स्टेप टू एग्रीकल्चर में स्लैब लिमिट ऐड करके टैक्स निकालो, और स्टेप थ्री स्टेप वन माइनस स्टेप टू, ये वाला काम करना होगा क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 में मनीष अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैज ग्रोन फॉलोइंग इनकम्स, उसके बाद कुछ इनकम्स हैं जैसे टी ग्रोन मैन्युफैक्चर्ड 4 लाख तो 60-40 कर देंगे, ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग रबर 65-35 कर देंगे, एग्रीकल्चर ऑपरेशन श्रीलंका ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर ऑपरेशन जरूर लिखी है बट ये नॉन एग्रीकल्चर है क्योंकि इंडिया के लिए तो ये नॉन एग्रीकल्चर है, यस और नो, और सेल ऑफ कॉफी ग्रोन रोस्टेड एंड क्योर यानी रोस्टेड कॉफी 60-40% कर देंगे, समझ में आ गई बात। तो करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको यही पता लगाना था कि एग्रीकल्चर कितना है और नॉन एग्रीकल्चर कितना है। अब ये देखो एक और क्वेश्चन, मिस विविता रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैज राइट द फॉलोइंग इनकम्स, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ अगेन लेटेक्स प्रोसेस फ्रॉम रबर प्लांट्स, मतलब ये लेटेक्स का प्रोसेस है, रबर का प्रोसेस है, तो बेसिकली एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर दोनों है, तो यहां पर भी आप वैसे ही करोगे जैसे अभी तक आपको बताया गया है, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर, ये जो एग्रीकल्चर है इसमें से तो 1 लाख रुपए का, ठीक है, 1 लाख रुपए का 65% यानी 65,000 एग्रीकल्चर है और 35,000 नॉन एग्रीकल्चर है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड, कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड यानी 75-25, 2 लाख का 75% हो गया 150 और 2 लाख का 25% हो गया 50,000 कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड के लिए। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड इन कोलंबो श्रीलंका वॉज रिसीव एज कंसिडरेशन, तो बेसिकली आपको यह बात बोल दी गई है कि रिसीव एच नहीं, अब आपको ये बोल दिया गया कॉफी ग्रोन क्योर आपका कोलंबो में, कोलंबो में, कोलंबो मतलब आउटसाइड इंडिया, श्रीलंका की कैपिटल, ठीक है, अब कॉफी ग्रोन क्योर रोस्टेड की बात करें तो 60-40 होता है, ठीक है, तो मेरे पास ये 5 लाख रुपए की जो इनकम है वो 60-40 होगी,
बट सेल कंसेशन इज रिसीव एट चेन्नई, सेल कंसेशन तो इंडिया में मिल रही है, बट इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन क्योर्ड एंड रोस्टेड ये आपकी कोलंबो से है, कोलंबो मतलब श्रीलंका, और श्रीलंका में अगर तुम कुछ कमाते हो तो वो एग्रीकल्चर इनकम तो हो ही नहीं सकती ना, तो ये पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, कितनी 5 लाख रुपए। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन मैन्युफैक्चर 10 लाख का 60-40 कर देंगे यानी 6 लाख और 4 लाख, और इनकम फ्रॉम सैपलिंग सीडलिंग ग्रोन इन नर्सरी एट कोचीन तो नॉन एग्रीकल्चर की जगह पे एग्रीकल्चर आएगा, तो ये हो गया 65,150 प्लस 6 लाख प्लस 2 लाख, ये हो गया 10,15,000, और ये हो गया 350 प्लस 50 प्लस 5 लाख प्लस 4 लाख, ये हो गया 13 लाख रुपए। इज दैट क्लियर? ये इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बनेगा। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का करवा देता हूं, ये क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर कमल ग्रोस पैडी, पैडी समझते हो, राइस बनने से पहले की जो मटेरियल होता है वो पैडी होता है, एंड पैडी इन द यूज द सेम फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग राइस इन हिज ओन मिल, तो राइस को वो अपने ही मिल में बनाता है और पैडी को इस्तेमाल करता है, द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ 40% ऑफ पैडी प्रोड्यूसर 7 लाख, कल्टीवेशन कॉस्ट है पैडी को प्रोड्यूस करने की 7 लाख रुपए 40% को, विच इज सोल्ड फॉर 15 लाख, और कल्टीवेशन कॉस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ 60% पैडी इज 12 लाख, ठीक है, और द मार्केट वैल्यू ऑफ सच पैडी इज 24 लाख, टू मैन्युफैक्चर राइस ही इनकर्ड 2 लाख इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑन द बैलेंस 60% पैडी, द राइस विल बी सोल्ड फॉर रुपीज 30 लाख। तो हुआ ये है, 8th क्वेश्चन के हिसाब से देखे जाए, एट्थ क्वेश्चन के हिसाब से देखना, अब 8th क्वेश्चन ये कहता है कि आपके पास पैडी थी, बिल्कुल थी पैडी था आपके पास रॉ मटेरियल, अब इस पैडी का इस्तेमाल करके 40% पैडी, कितनी 40% अलग कर दो, 60% अलग कर दो, अब 40% पैडी की जो कल्टीवेशन कॉस्ट है वो बता दिया 7 लाख, और इसको हमने 15 लाख का बेच दिया था, सेल ऑफ पैडी कितना है 15 लाख माइनस 7 लाख रुपए कॉस्ट, कितनी 7 लाख रुपए, ये हो गई पैडी की कॉस्ट, तो 8 लाख रुपए का क्या बच रहा है प्रॉफिट, 8 लाख रुपए का क्या बच रहा है प्रॉफिट, इस प्रॉफिट पे टैक्स क्या आप दोगे नहीं दोगे, क्योंकि ये प्योरली एग्रीकल्चर इनकम है, प्योरली कौन सी इनकम है, ये एग्रीकल्चर इनकम, और एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, ये बात आप जानते हैं, ठीक है, तो 15 लाख रुपए की आपने पैडी बेची, आपने 7 लाख रुपए का बनाया था, 8 लाख रुपए की आपने प्रॉफिट कमा लिया, तो ये 8 लाख रुपए का प्रॉफिट एग्रीकल्चर इनकम है, इसलिए एग्जेम्प्ट है, ठीक है, बट 60% पैडी की बात करते हैं, जो 40% हो गया उसका हिसाब, 60% पैडी का कॉस्ट कितनी पड़ी 12 लाख, और मार्केट वैल्यू ऑफ सच पैडी इज 24 लाख, एक्चुअल में क्या हुआ, मेरे पास जो 40% था उन्होंने हाथों हाथ बेच दिया पैडी बना के, अब क्या हुआ 60% जो पैडी बचा हुआ है ना वो 12 लाख रुपए का है, जिसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 24 लाख, और आपने इसको बेचा नहीं है, तो गवर्नमेंट ने तो एज्यूम कर लिया कि आपकी इसकी एग्रीकल्चर इनकम ये यहां पर कितनी है और नॉन एग्रीकल्चर कितनी है वो बता रहा है, 60% पैडी 12 लाख का है जिसकी मार्केट वैल्यू 24 लाख रुपए, यानी यही पैडी अगर मैं बेचने जाऊं तो मुझे पता कितने का पड़ेगा, 24 लाख का पड़ेगा, समझ में आ गई बात। अब यहां पर पहले पैडी की बात हो रही है, देखो ये 60% को तो पैडी से राइस बनाने के बाद बेच दिया है, और ये सिर्फ पैडी पैडी की सेल है, सिर्फ किसकी सेल है पैडी, और पैडी से राइस, राइस से सेल करने का मतलब क्या है 60%, कह रहा है आप सबसे पहले तो ये पता लगाओ कि आपकी जो मार्केट वैल्यू है पैडी की, मार्केट वैल्यू है जो पैडी की वो कितनी है, अब मार्केट वैल्यू पैडी की कैसे निकालेंगे, मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पैडी की जो मार्केट वैल्यू है 24 लाख रुपए, तो मैं ये 24 लाख रुपए इसमें से माइनस कर देता हूँ कॉस्ट में से, और कॉस्ट कितनी है 12 लाख, तो बेटा ये पैडी की जो इनकम है ये भी एग्रीकल्चर इनकम है, कौन सी इनकम है ये एग्रीकल्चर इनकम, तो ये 12 और 8 टोटल एग्रीकल्चर इनकम हो गई, बट आगे अभी कहानी खत्म नहीं हुई, यही पैडी जो 24 लाख रुपए का हो सकता था अगर आप राइस बनाते तो आप मार्केट से ये पैडी खरीदते ना, तो ये पैडी मार्केट से खरीदते 24 लाख का खरीदते,
अब पैडी से राइस बनाने का जो पॉइंट है, पैडी से राइस बनाने का जो पॉइंट है, उसके अंदर आपको ये बता दिया गया है कि मार्केट वैल्यू ऑफ पैडी, अच्छा वो तो हो गया, अब आपको ये बता दिया गया है कि आपने राइस कितने का बेचा, सेल ऑफ राइस, राइस बेच रहे हो आप 30 लाख रुपए का, नहीं सॉरी, राइस आपने कितने के बेचे हैं, द मैन्युफैक्चर राइस इनकट 2 लाख इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द पैडी, द राइस वॉज सोल्ड फॉर 30 लाख, राइस सेल आउट किया 30 लाख रुपए का। अब पैडी की मार्केट वैल्यू कितनी थी, क्योंकि यही चीज अगर मैंने मार्केट से खरीद के मैंने बेची होती तो मेरे को 24 लाख की पड़ती ना, तो ये 24 लाख रुपए पहले तो माइनस करने पड़ेंगे। इसके अलावा मुझे मुझे कन्वर्जन पैडी से राइस को कन्वर्ट करने की कॉस्ट को भी अपना खर्चा बनाना पड़ेगा, और इस वजह से ये 2 लाख रुपए भी मैं इसमें से क्या करने वाला हूं, माइनस। और अब 30 में से 26 लाख माइनस करने के बाद कितना आता है, 4 लाख रुपए, ये आ गया मेरा राइस से बनाई हुई इनकम, यानी नॉन एग्रीकल्चर। ये कौन सी इनकम है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम कितनी हुई, 8 और 12 20 लाख, एग्रीकल्चर इनकम कितनी हुई 20 लाख, नॉन एग्रीकल्चर कितनी हुई 4 लाख। बात समझ में आती है दोस्तों, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। तो हुआ इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल सी बात थी, वैसे तो इस क्वेश्चन में बस यही हुआ है कि आपके पास पैडी पड़ा था रॉ मटेरियल, आपने पैडी से कुछ पैडी को तो एज इट इज बेच दिया और कुछ पैडी को राइस बनने के बाद बेचा। पैडी को एज इट इज बेचने पर सेल ऑफ पैडी 15 लाख दी हुई थी, कॉस्ट दी थी 7 लाख, प्रॉफिट हुआ 8 लाख का, वो एग्रीकल्चर इनकम है क्योंकि पैडी इज अ रॉ पार्ट। पैडी से राइस बनाया आपने, 60% पैडी को राइस बनाने का कोशिश करी और राइस को बेचा, तो मार्केट वैल्यू ऑफ द पैडी, जो पैडी की मार्केट वैल्यू है वो कितनी होगी, वो दी हुई है 24 लाख रुपए। अब 24 लाख का अगर मैं चाहता तो मैं बेच सकता था, बट मैंने बेचा नहीं, 24 लाख का बेचा, खरीदने की कॉस्ट कितनी 12, तो 12 लाख रुपए का एग्रीकल्चर इनकम हो गया। 12 लाख रुपए का क्या हो गया, एग्रीकल्चर को पैडी पैडी से कमाया। अब आगे पैडी से राइस बनाया, राइस को बेच दिया, तो मुझे एक बार बता दो, अगर मैं राइस बेचा कितने का बेचा, 30 लाख रुपए का, पैडी बनने की जो कॉस्ट है वो भी तो मेरी कॉस्ट होगी, तो पैडी बनने की कॉस्ट है 24 लाख रुपए, सॉरी कन्वर्जन, पैडी बनने की जो कॉस्ट है वो है 24 लाख रुपए, मार्केट वैल्यू ऑफ द पैडी जो क्वेश्चन में दी हुई है वो 24 लाख रुपए माइनस करो, और कन्वर्जन कॉस्ट जो है, कन्वर्जन कन्वर्जन कॉस्ट मतलब पैडी से राइस बनाने का खर्चा, वो आप इसमें से और क्या करोगे माइनस। ये देखो, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है एग्रीकल्चर इनकम। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्रीकल्चर इनकम के अंदर, नोट कर लो भाई फटाफट। अब ये देखो, ऐसे ही क्वेश्चंस और भी हैं प्रैक्टिस करने को, तो आप लोग प्रैक्टिस करना, फिर ही अगली क्लास में डाउट डिस्कस करना, अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ऐसे ही है, शुगर केन से शुगर बनाने का काम भी है, और बी ग्रोज शुगर केन एंड यूजेस द सेम फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुगर इन हिज फैक्ट्री, 30% ऑफ द शुगर केन प्रोड्यूसर्स सोल्ड फॉर 10 लाख, तो 30% तो एज इट इज बेच दिया, तो 10 लाख रुपए का बेच दिया, आपको पता लगाना है शुगर केन 5 लाख का पड़ा था, तो 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, वो एग्रीकल्चर इनकम होगी, और एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है, चलो अगर ये मिस्टर बी होता है एग्रीकल्चर के साथ नॉन एग्रीकल्चर भी कमा रहा है, तो इसके ऊपर पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड लग जाता। अब यहां पर लिख रहा है द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ बैलेंस शुगर केन इज 14 लाख एंड द मार्केट वैल्यू द सेम इज 22 लाख, तो आप अगर आपने अगर इसको बेचा होता 22 लाख का बेचते ना, 14 लाख की चीज 22 लाख की बेचते, तो 8 लाख रुपए का क्या कमाते प्रॉफिट, ये आप कमाते नॉन एग्रीकल्चर। बट 1.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में द शुगर वॉज सोल्ड फॉर 25 लाख। ठीक है, शुगर वॉज सोल्ड फॉर 25 लाख। अब हुआ ये है कि एक तो मैंने आपको ये बोल दिया कि जो 5 लाख रुपए है वो प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट जो है कि शुगर केन से हुआ है, शुगर केन से हुआ है, हाँ शुगर केन से जो प्रॉफिट हुआ है, इसका हम लोग क्या करें, इसका हमें कोई कोई पहले से रेशियो तो दिया नहीं हुआ, इस केस में हमें सिंपली क्या करना चाहिए, आपके पास 10 लाख रुपए का आपने शुगर केन बेच दिया है और शुगर केन बनाने की कॉस्ट आपको 5 लाख दी हुई है, तो बेसिकली 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है शुगर केन से। ठीक है, यानी प्रोसेस्ड आइटम से। अब आपने 70% शुगर जो है वो कल्टीवेशन है करी है, बैलेंस शुगर केन की 70% जो, और उसकी कल्टीवेशन कॉस्ट है 14 लाख, आपने कितने की बेची, आपकी मार्केट वैल्यू कितनी है 22,
तो 8 लाख रुपए शुड बी योर बिजनेस इनकम, 8 लाख रुपए शुड बी योर नॉट बिजनेस, बिजनेस इनकम 8 लाख रुपए बिजनेस इनकम। और आगे यही पैडी आपने बेच दिया, सॉरी यही शुगर, शुगर केन मार्केट में आपने बेच दिया शुगर बना के, और एज इट इज, अरे ऊपर वाला शुगर केन है ना, तो वो तो मैं इसको बना ही देता हूँ यार, मैं कर ही देता हूँ। 15th क्वेश्चन, ये देखो 15th क्वेश्चन भी देख लो भाई, आपने के पास शुगर केन है, अपने पास आपका काम है शुगर केन से शुगर कन्वर्ट करना और उसके बाद उसको बेचना, यही काम है आपका। अब शुगर केन कुछ एज इट इज शुगर केन बेच दी है, 30% आपने शुगर केन एज इट इज बेच दिया है, 70% की आपने क्या किया है प्रोसेसिंग करी है। जो 30% आपने एज इट इज बेच दिया तो सेल कंसिडरेशन कितना दिया हुआ है शुगर केन का, 10 लाख रुपए, और उसमें से खरीदने की कॉस्ट कितनी है 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का आपका क्या है एग्रीकल्चर इनकम, 5 लाख रुपए का क्या है एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है जी। 70% की बात करें, अगर 70% की बात करें तो 70% वाले केस में आपने शुगर बेचा है, यहां पर क्या बेचा है शुगर, ये जो शुगर बेचा है ना ये 70% वाले केस में बेचा है, और उसमें आपने शुगर जो बेचा वो कितने का बेचा है, सेल 70% की कितनी है 25 लाख रुपए की सेल है। उसमें से आपने शुगर केन को पहले शुगर में कन्वर्ट करने के लिए पहले शुगर केन की कॉस्ट लिखी 14 लाख रुपए, शुगर केन की कॉस्ट है ये 14 लाख रुपए की कॉस्ट है शुगर केन की, इसके अलावा मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर, अच्छा अगर शुगर केन की कॉस्ट 14 लाख है तो मेरे को मैंने तो देखो ये बात क्लियर ही कर दी है कि ये 14 लाख रुपए की उसकी कल्टीवेशन कॉस्ट है और उसकी मार्केट वैल्यू 22 लाख है, मुझे इसकी मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, 14 लाख रुपए की मैंने शुगर केन बनाई है, उसके ऊपर 1.5 लाख रुपए मैंने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में शिफ्ट कर दिया ऑन द बैलेंस ऑफ शुगर केन, तो मैंने 1.5 लाख रुपए मैंने शुगर केन को शुगर केन से शुगर बनाने में मैंने क्या कर दिए खर्च कर दिए, तो 1.5 लाख रुपए की ये प्रोसेसिंग कॉस्ट भी इसके अंदर आएगी, प्रोसेसिंग कॉस्ट भी इसके अंदर आएगी। तो 30% पैडी की मैंने अलग कल्टीवेशन कर दी, 70% पैडी की मैंने बनाई, 14 लाख रुपए की उसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, मार्केट वैल्यू उसकी 22 लाख रुपए की थी, ठीक है, और मैंने क्या किया 14 माइनस 22 तो बेसिकली सॉरी एक और गलती हो गई, ये सीधा यहाँ पे मेरे को 22 लिख देना चाहिए, और प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है 1.5 लाख, और ये 1.5 लाख रुपए का मेरा आ जाएगा यहाँ पर बिजनेस इनकम, ठीक है 1.5 लाख रुपए की तो मेरी बिजनेस इनकम हो जाएगी, क्योंकि 22 लाख रुपए अगर यही पैडी मैंने मार्केट सॉरी यही शुगर केन मैंने मार्केट से खरीदा होता तो मुझे कॉस्ट ऑफ शुगर केन इतने की पड़ती ना, कॉस्ट ऑफ शुगर केन मुझे इतने की पड़ती 22 लाख रुपए की, और मेरी प्रोसेसिंग कॉस्ट इतनी हो गई और मैंने इतना कमाया शुगर के सेल पर। बट अभी इसके अलावा मेरी एग्रीकल्चर इनकम एक और होगी जो यहां से आएगी, मैंने ये बता दिया कि मेरी शुगर केन की जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो तो 14 लाख है बट उसकी मार्केट वैल्यू 22 लाख है, तो 22 माइनस 14 यानी 8 लाख रुपए और एग्रीकल्चर इनकम है, तो मेरी एग्रीकल्चर इनकम हो गई टोटल 13 लाख रुपए और मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम हो गई 1.5 लाख रुपए। ये बात समझ में आती है, जल्दी जल्दी बताओ ये बात समझ में आती है, ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको एक पैडी और राइस वाला केस कराया था बिल्कुल वैसे ही इसको भी करना है, कोई फर्क नहीं। ये था हमारा एग्रीकल्चर इनकम के अलग अलग टॉपिक और अलग अलग तरीके के अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन, 1.5 लाख और 13 लाख रुपए आंसर। Is that clear to everyone? Now, बच्चों एक बात समझो कि मैंने आपको एग्रीकल्चर करा दिया, अब मेरे को आपको क्या समझाना है साइमल्टेनियसली, मैंने आपको समझाना है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के बारे में। अब ये देखो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स भी देख लो एक मिनट, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के बारे में बात कर रहा हूं, यानी AMT। AMT के बारे में क्या बात करता है, सेक्शन 115JC, ध्यान से देखना, एग्रीकल्चर इनकम खत्म है। एग्रीकल्चर इनकम में 3-4 तरह की वैरायटी के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने करा दिए, पहला वैरायटी अलग करा दी, सेकंड अलग करा दी, थर्ड अलग करा दी, और चौथी जो आखिरी वाली थी शुगर केन शुगर वाली या फिर पैडी राइस वाली वो भी चीज मैंने करा दी। नाउ सेक्शन 115JC है, यानी हम AMT की बात कर रहे हैं ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स की। कह रहा है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, अब ये कानून वाली बात लिख रहा है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, where the regular income tax payable for the previous year by the person other than the company
is less than AMT payable for such previous year, the adjusted total income shall be deemed to be the total income of that person for such previous year and shall be liable to pay income tax on such total income at the rate of 18.5%. 18.5%. 18.5%. मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं ये बात बहुत इंपॉर्टेंट करने वाला हूं. अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के लिए आपको क्या करना है? अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का मतलब समझो पहले तो, ये वो टैक्स है, एटलीस्ट आपको इतना तो पे करना ही होगा. अल्टरनेट है ये इतना तो पे करना पड़ेगा, मिनिमम है ना, अल्टरनेट तो यही है, मिनिमम भी है, तो इतना तो आपको पे करना ही पड़ेगा. इसका मतलब ये, notwithstanding anything contained in this act, where the regular income tax payable for a previous year by a person other than a company is less than AMT payable by such for the such previous year, AMT amount से भी क्या बनता है, कम बनता है, then the adjusted total income shall be deemed to be the total income of that person for such previous year and he shall be liable to pay income tax on such total income at the rate of 18.5%, जो कि AMT है, alternate minimum tax, 18.5% pay किया जाता है AMT के अंदर. तो कहता है अगर आपकी जो नॉर्मल टैक्स आ रहा है उससे, नॉर्मल टैक्स जो आ रहा है वो एएमटी से भी कम है, मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए. एएमटी से, एएमटी जो लगता है ये क्या है, टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 18.5% ऑन बुक प्रॉफिट्स, ऑन बुक प्रॉफिट्स. तो ये जो टैक्स आएगा, एक तो ये है और एक है नॉर्मल टैक्स जो हम लोग एज पर इनकम टैक्स निकालते हैं. कह रहा अगर ये अमाउंट, मान लो ये अमाउंट 1,00,000 है, कितना अमाउंट है 1,00,000, ये अमाउंट 1,00,000 है और मान लो एएमटी का जो अमाउंट है वो 80,000 है, तो आपको एटलीस्ट 80,000 रुपए पे करने पड़ेंगे अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, एटलीस्ट इतना पे करना पड़ेगा. नाउ एडजस्टेड टोटल इनकम रेफर टू सबसेक्शन 1 शैल बी लाइव टोटल इनकम बिफोर गिविंग इफेक्ट टू दिस चैप्टर एज इंक्रीज बाय. कह रहा है ये जो एडजस्टेड टोटल इनकम की हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली बुक प्रॉफिट की बात हो रही है, यही एडजस्टेड टोटल इनकम की बात कर लो, एक ही बात है, एडजस्टेड टोटल इनकम या बुक प्रॉफिट्स, या वर्ड बुक प्रॉफिट की जगह पे एडजस्टेड टोटल इनकम ही वर्ड ठीक है. अगर आपके दिमाग में बुक प्रॉफिट नहीं आता, आप एडजस्टेड टोटल इनकम याद कर लो. अब अगर अल्टरनेट मिनिमम टैक्स निकालना है तो टैक्स एट द रेट ऑफ 18.5% ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम. नाउ व्हाट इज एडजस्टेड टोटल इनकम, ये है पॉइंट. और कहता है टोटल इनकम एडजस्ट करने के लिए आप क्या करो, टोटल तो आप निकाल ही लो, ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज करते हैं ना टोटल. अब इसमें से आप डिडक्शंस माइनस कर दो अंडर सेक्शन हेडिंग सी, हेडिंग सी वाली अगर आपने, सॉरी डिडक्शंस जो आपने, देखो आपकी, आपने क्या करना है, आपको एडजस्टेड, हाउ टू फाइंड एडजस्टेड टोटल इनकम, दिस एडजस्टेड टोटल इनकम तक मैं कैसे पहुंचूंगा, इसको फाइंड आउट मेरे को कैसे करना है, उसके लिए मेरे पास टोटल इनकम होनी जरूरी है. पहले तो ग्रॉस टोटल इनकम नहीं, सीधा टोटल इनकम डिडक्शंस वगैरह सब माइनस करने के बाद. अब मैं इसी के अंदर एडजस्टमेंट करूंगा, मैं वो डिडक्शन एडबैक कर दूंगा जिसमें गवर्नमेंट ना आपको 10-10 साल, 15-15 साल, 5-5 साल के प्रॉफिट क्या कर देती थी, अलाउड एज डिडक्शन कर देती थी अंडर सेक्शन 80H टू 80RRB, कुछ याद आ रहा है, इसके अंदर ही कवर होती है आई सीरीज. ये जो आई सीरीज है ये वही है, 10-10 साल, 10-10 साल टैक्स हॉलिडे. गवर्नमेंट ने क्या बोला, कह रहे हैं आप तो डिडक्शन सारी ले चुके हो ना, अगर आपको ये बुक प्रॉफिट वाला बेनिफिट चाहिए ना, आपको अगर टोटल इनकम से एडजस्टेड टोटल इनकम पे पहुंचना है, आपको ये डिडक्शन पहले ये वाले ऐड करने होंगे, ये ऐड करने होंगे. तो डिडक्शंस 80I सीरीज वाले ऐड करने होंगे, डिडक्शंस क्लेम्ड अगर सेक्शन 10AA वाली डिडक्शन आपने ले रखी है, वही स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आप लोग तो जानते ही हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो बेनिफिट लेते नहीं है, पहले 5 साल 100% बुक 100% को आप प्रॉफिट का कर देते हो, एग्जेम्प्ट कर देते हो, ठीक है, और फिर उसके बाद 50% और उसके बाद फिर 50%, याद आ रहा है कुछ, तो वो आप 10AA का अगर बेनिफिट ले चुके हो तो एडबैक कर दो, बेनिफिट ले चुके हो तो एडबैक कर दो. डिडक्शंस क्लेम्ड अगर आप 35AD के अंदर डिडक्शन क्लेम कर चुके हो, 35AD क्या है बेटा, स्पेसिफाइड बिजनेस, याद आ रहा है कुछ, स्पेसिफाइड बिजनेस, वही स्पेसिफाइड बिजनेस, अगर आप डिडक्शन ऑलरेडी 35AD में क्लेम कर चुके हो तो आपने पीजीबीपी क्या कर दिया होगा, कम कर दिया होगा एज रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ डिप्रेशन अलाउबल इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 32 इफ नो डिडक्शन. अब गवर्नमेंट कहता है कि आप क्या करो, आप अगर सेक्शन 35AD ले चुके हो ना, आप सेक्शन 35AD ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड कर दो, और इसके अंदर में से आप डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट कर देना, इसकी एडजस्टमेंट कर देना डेप्रिसिएशन की,
भाई डेप्रिसिएशन नॉर्मली भी तो मिलता ही है ना, तो गवर्नमेंट कह रहा है आप जो नॉर्मली आपको डिप्रेशन मिलता है ना इस मशीनों पे, 35 AD में से डेप अमाउंट माइनस कर देना, जो अमाउंट बचेगा वो अमाउंट आप क्या कर दोगे, ऐड कर दो। डिडक्शंस क्लेम्ड इफ एनी अंडर सेक्शन 35 AD सो रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ डिप्रेशन अलाउबल इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 32 एंड इफ नो एज इफ नो डिडक्शन अंडर द 35 AD विच बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ द एसेट्स ऑन विच डिडक्शन हैज ऑलरेडी बीन क्लेम्ड। तो डिप्रिसिएशन वाला जो अमाउंट है ना उस एसेट के ऊपर 35 AD में वाले जो एसेट हैं उसके ऊपर जो डिप्रिसिएशन वाला अमाउंट है गवर्नमेंट कहता है वो हम लोग 35 AD वाला जो डिडक्शन हम लोगों ने क्लेम किया था उसमें से वो डेप अमाउंट माइनस करके बाकी अमाउंट ऐड बैक कर दो। डेप तो अलाउ होना चाहिए ना, बाकी अलाउ नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। ये तीन चीजों को एडजस्ट कर देना और अगर ये तीनों चीजें आपने एडजस्ट कर दी तो हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, एडजस्टेड टोटल इनकम पे। बोलो हाँ या ना। टोटल इनकम को एडजस्ट करने के लिए आपको पहले तो डिडक्शंस ATH टू ATRRB जो है वो ऐड बैक करने होंगे अगर ले लिए हैं तो। सेक्शन 10AA SEZ वाला केस अगर आपने एग्जेम्पशन ले ली है तो ऐड बैक करनी होगी। और अगर आपने 35 AD की भी डिडक्शन ले ली है तो गवर्नमेंट कह रहा है ले ली है तो कोई बात नहीं, बट उसमें से डेप एडजस्ट कर दो। डेप एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगा ना वो ऐड बैक कर दो। समझ में आ गई बात, डेप एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको ऐड बैक कर दो। तो ये टोटल इनकम एडजस्टेड आ गया। अब इस एडजस्टेड टोटल इनकम का ही हमें 18.5% गवर्नमेंट को मिनिमम पे करना है, इसीलिए हम इसको अल्टरनेट मिनिमम टैक्स बोलते हैं। समझ में आ गई बात कि आपको इतना एटलीस्ट देना पड़ेगा, बस दैट्स इट। ये दो तीन रूल्स आपको ध्यान रखने हैं जो मैंने आपको बताए, ठीक है। ये दो तीन रूल्स अगर आपको ध्यान आ गए तो आप क्वेश्चन इसके कर सकते हो। आओ जरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसका। अच्छा एक ना 115JD सेक्शन में ना AMT क्रेडिट के बारे में बात की गई है, मैं वो भी पहले आपको सारा कानून बता ही देता हूं। कह रहे द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड बाय पर्सन अंडर सेक्शन 115JC शैल बी अलाउड टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। द टैक्स क्रेडिट ऑफ द असेसमेंट ईयर टू बी अलाउड शैल बी इन एक्सेस ऑफ AMT पेड ओवर द रेगुलर टैक्स पेबल ऑफ दैट ईयर। मतलब कि क्रेडिट क्या चीज है, क्रेडिट तब होता है जब आपका नॉर्मल टैक्स क्या आ रहा हो, मान लो 1,00,000 रुपया आ रहा हो और आपका जो AMT बन रहा है वो बन रहा है 1,20,000, तो आप गवर्नमेंट को कौन सा पे करोगे, 1,20,000। गवर्नमेंट को अगर आप 1,20,000 पे करोगे तो आप 20,000 ज्यादा नहीं पे कर चुके, इसके कंपैरिजन में ज्यादा पे कर चुके हैं, उसी चीज का आपको मिलेगा AMT क्रेडिट। कितने रुपए का, 20,000 रुपए का। समझ में आ गई बात, 20,000 रुपए का आपको AMT क्रेडिट मिलेगा। और उस क्रेडिट का फायदा क्या है, देखो लिखा है द टैक्स क्रेडिट ऑफ एन असेसमेंट ईयर टू बी अलाउड शैल बी इन एक्सेस ऑफ AMT पेड ओवर द रेगुलर इनकम टैक्स पेबल ऑफ दैट ईयर, नो इंटरेस्ट शैल बी पेबल ऑन टैक्स क्रेडिट, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अच्छा द अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट शैल बी कैरी फॉरवर्ड इन सेट ऑफ बट द सच कैरी फॉरवर्ड शुड नॉट बी अलाउड बियॉन्ड 15 असेसमेंट ईयर्स इमीडिएटली सक्सीडिंग द असेसमेंट ईयर फॉर विच टैक्स क्रेडिट हैज बीन अलाउड। 15 साल के बाद वो ऑटोमेटिकली टैक्स क्रेडिट खत्म हो जाएगा, अगर 15 साल तक रिडीम 15 साल तक उस क्रेडिट को यूटिलाइज कर पाए तो ठीक, वरना खत्म। इन एनी असेसमेंट ईयर इन विच रेगुलर इनकम टैक्स पेबल रेगुलर इनकम टैक्स एक्सीड्स द अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, अगर आपका रेगुलर इनकम टैक्स ज्यादा बनता है AMT से तो आप क्या पे करोगे, AMT या आप पे करोगे रेगुलर इनकम टैक्स। द टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड टू बी सेट ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सेस ऑफ रेगुलर इनकम टैक्स ओवर द अल्टरनेट मिनिमम टैक्स एंड द बैलेंस ऑफ टैक्स क्रेडिट शैल बी कैरी फॉरवर्ड। अब ये देखो टैक्स क्रेडिट की बात हो रही है, आप कितने साल तक ये टैक्स क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, 15 साल। कितने साल तक, 15 साल तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, यानी आने वाले सालों में लेके जा सकते हो। और आप देख सकते हो कि देखो आप एडजस्ट कैसे करोगे, मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, वैसे तो मैं भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा। आपने AMT का क्रेडिट ले लिया 20,000 रुपए का, कैसे, आपने पे किया 1,20,000 जबकि पे करना चाहिए था 1,00,000, आपने 20,000 ज्यादा पे कर दिया तो इसको क्रेडिट मिल गया। मान लो सेकेंड ईयर में आपका जो नॉर्मल टैक्स आ रहा है वो आ रहा है 30,000 रुपए और AMT जो अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 22,000 रुपए, ठीक है। अब नॉर्मल टैक्स बन रहा है 30, AMT बन रहा है 22, तो गवर्नमेंट क्या कहेगा, आप क्या कहोगे कि ऑब्वियसली मैं तो अब भी 22 ही पे करूंगा, क्योंकि पहले तो आप मुझसे कह रहे थे मिनिमम इतना देना है, भाई अब 22 ही दूंगा ना मैं। गवर्नमेंट ने कहा ठीक ठीक है, आपका लॉजिक बिल्कुल ठीक है कि आप ऑलरेडी आपके पास ऑलरेडी क्रेडिट पड़ा हुआ है कितने रुपए का, 20,000 रुपए का। कितने रुपए क्रेडिट पड़ा हुआ है, 20,000 रुपए का। ये जो क्रेडिट पड़ा हुआ है इस क्रेडिट को हम आपके डिफरेंस अमाउंट, यानी अगर आपका अमाउंट नॉर्मल टैक्स में आपको ज्यादा देना पड़ रहा है, कितना ज्यादा देना पड़ रहा है, 8,000 ज्यादा देना पड़ रहा है, ये जो 8,000 ज्यादा देना पड़ रहा है ना इसमें से ये 20,000 रुपए एडजस्ट कर देंगे।
यानी ये डिफरेंस तो हो गया जीरो, डिफरेंस तो हो गया जीरो, बट एएमटी का क्रेडिट अभी भी पड़ा हुआ है। कितने का क्रेडिट पड़ा हुआ है? एएमटी का क्रेडिट 12,000 रुपए का, क्योंकि 20,000 रुपए का क्रेडिट था, 8,000 इस्तेमाल कर लिए। मतलब आपने गवर्नमेंट को इस साल में दिए 22,000 रुपए ही होंगे, इस साल में जो नेक्स्ट ईयर में आपने 22,000 ही दिए होंगे, वो जो 8,000 रुपए एक्सेस बन रहा था वो आपने पे इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके पास क्रेडिट पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ था? क्रेडिट पड़ा हुआ। थर्ड ईयर भी ऐसे ही होगा, फोर्थ ईयर भी इसी तरीके से होगा, और इसी को बोलते हैं एएमटी क्रेडिट। क्या बोलते हैं? एएमटी क्रेडिट। समझ में आ गई बात? इन एनी असेसमेंट ईयर इन विच रेगुलर इनकम टैक्स एक्सीड्स द एएमटी, ठीक है, द टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड टू बी सेट ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सेस रेगुलर इनकम टैक्स ओवर द एएमटी एंड द बैलेंस ऑफ टैक्स क्रेडिट इन, अगर टैक्स क्रेडिट अभी बच गया तो कैरी फॉरवर्ड कर दे। तो ये बात तो आपको समझ में आती है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। Application of this chapter to a certain person. The provision of this chapter shall apply to the person who has claimed by deduction ATI series wali section 10AA or 35AD. मतलब ये तीनों में से कोई benefit अगर आपने लिया हुआ है तो ही section का फायदा है, वरना आप section नहीं का benefit नहीं है, क्योंकि adjusted में तीन ही चीजें पर adjust कर रहे हैं, 35AD, 10AA और AT H2 ATR। अभी the provision of this chapter shall not apply to an individual HUF or AOP BOI whether incorporated or not or an artificial juridical person if adjusted total income does not exceed 20 lakh। कह रहा है कि अगर आपकी adjusted total income 20 लाख रुपए तक की रहती है, ठीक है, और आप individual नहीं हो, HUF नहीं हो, AOP BOI नहीं हो, तो ऐसे केस में भी government ने क्या बोल दिया कि आपके ऊपर क्या लगाया जाएगा, फिर आपके ऊपर क्या लगाया जाएगा, आपके ऊपर लगाया जाएगा alternate minimum tax, ठीक है। The provision of this chapter shall not apply to individual HUF, AOP, BOI, whether incorporated or not. इनके ऊपर apply ही नहीं होता। तो ये if adjusted total income such person does not exceed 20 lakh। मतलब कह रहा है अगर आपकी adjusted total income 20 लाख से ज्यादा है, इससे ज्यादा है 20 लाख से, तब इनके ऊपर applicable होगा। इनके ऊपर तब तक applicable नहीं होगा जब तक इनकी adjusted total income 20 लाख क्रॉस नहीं कर जाती। अब क्योंकि adjusted total income 20 लाख से कम है तो गवर्नमेंट कहता है कि आप इंडिविजुअल एच यूएफ, एओपी, बीआई और इनके ऊपर अभी फिलहाल कोई हमें टैक्स पे करना नहीं, ठीक है। ये प्रोविजन इनके ऊपर नहीं लगता, इंडिविजुअल एच यूएफ, एओपी, बीआई के ऊपर नहीं लगता, ये बात क्लियरली कही गई है। अगर नहीं, कब नहीं लगता? जब आपकी टोटल इनकम 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम है, डज नॉट एक्सीड 20 लाख अगर आपकी टोटल इनकम। बताओ समझ में आ गई बात? सेक्शन 115 जेसी, जेडी और जेई, हम लोगों ने तीन सेक्शंस पढ़े, जेसी हो गया आपका, जेडी हो गया एएमटी क्रेडिट, और जेई हो गया जहां पे हमने बात करी है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसका आपको डिडक्शन फिलहाल नहीं मिल सकता या फिलहाल मिल सकता है। तो कौन कौन से मिल सकते हैं? हेडिंग सी वाले मिल सकते हैं, 10AA मिल सकते हैं, 35AD मिल सकते हैं, सब मिल सकते हैं, इन सब की आपको बेनिफिट मिल सकता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ क्वेश्चंस देख लेते हैं एवरीवन, ध्यान से देखो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मैं क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूँ। एबीसी एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म हैज टोटल इनकम ऑफ 18 लाख आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A अंडर हेडिंग सी, यानी वो 4 लाख रुपए की डिडक्शन तो आपकी हेडिंग सी वाला है, ठीक है। देखो जैसे ये क्वेश्चन कर लोगे ना आपके लिए बहुत आसान लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। मैं आपको करवा रहा हूँ, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान से देखना। आपकी टोटल इनकम पार्टनरशिप फर्म की कितनी है? 18 लाख रुपए, ठीक है। और आपको बताया गया है ये जो केस है ये इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपीबी और एजेपी पे तब लगता है जब उनकी इनकम एटलीस्ट 20 लाख से ज्यादा हो। अब ये पार्टनरशिप फर्म है इसलिए ये वाला पॉइंट इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म है इसलिए नहीं होगा, तो आप चाहे 2 लाख रुपए कमाओ आपको ऊपर एएमटी लगेगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, एएमटी कंपनीज के ऊपर नहीं लगता, कंपनीज के ऊपर मैट लगता है, बस इतनी बात तो याद रखनी है आपको, ठीक है। अच्छा, उसने बोला आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन चैप्टर 6A, तो चैप्टर 6A में डिडक्शन आपने हेडिंग सी वाले अंदर ले ली, हेडिंग सी वही है आई सीरीज, 4 लाख रुपए की डिडक्शन ले ली है, तो मेरे को एडजस्टेड निकालना है ना, मेरे को एडजस्टेड निकालना है, तो हेडिंग सी वाली जो डिडक्शन है वो क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। कितना अमाउंट है? 4 लाख रुपए। बोलो डिडक्शन सेक्शन 10AA, 10AA यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली कोई डिडक्शन है वो भी ऐड कर दो, 5 लाख रुपए, और डिडक्शन सेक्शन 35AD है 6 लाख, डेप्रिसिएशन दीज एसेट इफ डिडक्शन अंडर 35 इज नॉट क्लेम्ड इज 2 लाख, 6 लाख का डेप्रिसिएशन 35AD है, 2 लाख का डेप लगता है उन एसेट्स के ऊपर अगर आप डेप्रिसिएशन लेते तो 6 - 2 4 लाख रुपए ऐड बैक कर दोगे। बोलो ये तीन चीजों को एडजस्ट करना है बस आपको, ये तीन चीजें एडजस्ट करने के बाद
ये जो अमाउंट आएगा ना, इसको बोलेंगे एडजस्टेड टोटल इनकम. क्या बोलेंगे? एडजस्टेड टोटल इनकम. 22 और 5 27 और 4 31, ये आ गया मेरा एडजस्टेड टोटल इनकम. अब ये जो एडजस्टेड टोटल इनकम आ रहा है 31 लाख रुपए, इसके ऊपर मुझे टैक्स निकालना है. तो मैं क्या करूंगा, पहले तो टोटल इनकम पे टैक्स निकालूंगा. टोटल इनकम पे टैक्स का रेट लगेगा, पार्टनरशिप फर्म है ना, तो टोटल इनकम पे 30%. टोटल इनकम कितनी है? 18 लाख रुपए. ठीक है, 18 लाख रुपए आपकी टोटल इनकम है. 18 लाख रुपए के ऊपर 30% के हिसाब से 5,40,000 का टैक्स है. कंपेयर करेंगे इसको 31 लाख रुपए की जो आपकी इनकम है उसके ऊपर 18.5%. सो 31 लाख रुपए इंटू 18.5% ये आ रहा है 573,500. मतलब इतना तो एटलीस्ट देना ही चाहिए आपको. तो 31 लाख पे 18.5% 573,500 आ रहा है, जबकि ये आ रहा है 18 लाख पे 30% 540. अब इसके ऊपर सेस मैंने ऐड नहीं किया, मैं कर देता हूँ. अब मेरे को ऑब्वियसली एएमटी ज़्यादा, एएमटी तो मुझे इतना तो पे करना ही पड़ेगा ना एटलीस्ट, प्लस इसके ऊपर 4% सेस भी आएगा. तो 4% सेस निकाल लो, 22,940. ये मिला के बन रहा है 573,500 प्लस 22,940, तो 596,440. ये आपका एटलीस्ट अमाउंट है इन ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो आपको पे करना पड़ेगा. अब आपका टैक्स बनता था 540 प्लस 4% ना, तो 4% हो गया 21,600. तो आपका टैक्स बनता था 5,61,600. ठीक है, और आपने पे किया 596,440. तो ये AMT का क्रेडिट है, AMT क्रेडिट 115JD. कितना अमाउंट का? 596,440 माइनस 561,600. 596,440 माइनस 561,600 34840 का आपको मिल जाएगा क्रेडिट. AMT क्रेडिट कितने में मिल जाएगा? 34840 का आपको मिल जाएगा क्रेडिट. मैं बता देता हूं आपने क्या करना है. आपने टोटल इनकम को एडजस्ट करके एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना है. टोटल इनकम आपका 30% टैक्स निकाल लिया आपने, AMT का टैक्स निकाल लिया आपने, AMT क्रेडिट पता चल गया आपको, क्योंकि ये जो डिफरेंस है वो आपका ज़्यादा जा रहा है AMT की वजह से, तो क्रेडिट मिल जाएगा इतने का अगले नेक्स्ट ईयर के अंदर. ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बात समझ में आती है या ऊपर से जाती है? ठीक है जी, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर टू भी देख लेते हैं. XYZ, a firm in India, is engaged in development of software and providing IT-enabled services through two units, one of which is in SEZ. The particulars relating to previous year 1920 are as follows. Total turnover आपको दिया हुआ है SEZ unit का 120 लाख, other unit का 100 लाख. Export turnover का दिया हुआ है 100 लाख और other unit का 60 लाख export turnover. Profit दिया हुआ है. Compute tax payable by XYZ company. तो आपके पास दो areas हैं, एक SEZ है और एक non-SEZ है. इसका मतलब है आपने SEZ की exemption जरूर ली होगी. ठीक है, और आपका जो profit आ रहा है tax payable by XYZ company, तो वो कितना आ रहा है? Tax payable by XYZ company कितना आ रहा है वो आप कैसे निकालो? आपको profit पता है SEZ unit का 48 है, 42 है other units का. ठीक है, तो आप जो income tax pay करोगे वो कितने पर pay करोगे? 42 लाख पे करोगे. टोटल टर्नओवर है 120 लाख, अदर यूनिट की टर्नओवर है 100 लाख्स. ठीक है, अच्छा मैं एसईजेड का प्रॉफिट जो एग्जेम्प्ट वाला होता है वो मैं निकाल दूं पहले? हाँ निकाल लेते हैं. देखो बिजनेस कमेंस किया था आपने 1/4/2016 में, 1/4/2016 में आपने स्टार्ट किया, और आप बात कर रहे हो 2019-20 में, यानी आप पहले 5 साल के अंदर ही कवर हो, और पहले 5 साल में आपका प्रॉफिट जो है वो है 48 लाख रुपये. उसमें से वो जो है वो एक्सपोर्ट टर्नओवर है 100 लाख की, जिसमें टोटल टर्नओवर है 120 लाख की. तो 48 लाख रुपीस का 100 डिवाइडेड बाय 120, ये आ गया 40 लाख रुपए का एसईजेड प्रॉफिट. क्या आ रहा है? 40 लाख रुपए का एसईजेड प्रॉफिट. अब 40 लाख रुपए का एसईजेड प्रॉफिट 100% क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है. ये मैंने आपको बताया था, एग्जेम्प्ट 100%. 40 लाख रुपए पूरा का पूरा क्या हो गया होगा? एग्जेम्प्ट हो गया होगा. इज दैट क्लियर? अब आपके पास प्रॉफिट एसईजेड यूनिट का 48 लाख, ठीक है, और
अदर यूनिट्स का है 42 लाख। ठीक है, आपके पास ये टोटल इनकम दी हुई है। अब मेरे पास कंपनी तो एक ही है ना, एक्स वाई जेड कंपनी। अब मैंने क्या किया, मेरे को पता है 40 लाख एग्जेम्प्ट है, आउट ऑफ 48 लाख 40 लाख एग्जेम्प्ट है, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, मैं टोटल कर लेता हूँ। टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट में एक तो एग्जेम्प्ट वाला ये हो गया 40 लाख प्लस 8 लाख रुपए एसईजेड। देखो टोटल एसईजेड यूनिट प्रॉफिट है 48, जिसमें से 40 लाख एग्जेम्प्ट है, 8 लाख रुपए टैक्सेबल है, प्लस आपको अदर यूनिट से भी तो प्रॉफिट हुआ है 42 लाख रुपए का। वो एसईजेड यूनिट नहीं है, वो एसईजेड यूनिट नहीं है। 42 लाख रुपए का जो अदर यूनिट से हुआ है, ये भी तो आपका प्रॉफिट है। तो आपका टोटल प्रॉफिट जो है ना, वो आ रहा है 48 लाख प्लस 42 लाख, विच इज इक्वल टू 48 लाख प्लस 42 लाख, विच इज इक्वल टू 90 लाख रुपीज का जो टोटल प्रॉफिट है वो ये आ रहा है। ठीक है, और आप 40 लाख रुपए इसमें से क्या है, एग्जेम्प्ट है। और एग्जेम्प्ट है तो क्या करना है, आप लोग जानते हैं, 42 और 8, तो बेसिकली मैं 90 क्यों लिख रहा हूँ, ये तो एग्जेम्प्ट ही है ना, यहाँ लिख लेता हूँ 90, चलो ये एग्जेम्प्ट है। तो टैक्सेबल वाला केस है 8 लाख और 42 लाख, यानी टोटल टैक्सेबल प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, टैक्सेबल प्रॉफिट की बात करूं, तो वो है 42 प्लस 8, यानी 50 लाख। 50 लाख रुपीज के ऊपर मेरे को टैक्स निकालना है एज अ फर्म, एज अ फर्म। तो एक्स वाई जेड कंपनी एंड फर्म, फर्म है ना, तो फर्म के ऊपर मेरे को 100%, क्योंकि मुझे वो तो 100% एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब मैं नॉर्मल टैक्स निकालूं तो मेरे को 30% का टैक्स लगेगा इसके ऊपर, जो कि मुझे पे करना पड़ेगा 15 लाख रुपये। 15 लाख रुपए, एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका ये है कि 15 लाख प्लस सेस भी लगा देता हूँ, 15 लाख प्लस 4% सेस, 60 हज़ार, तो 15 लाख 60 हज़ार हो गया। अब अगर मैं दूसरा देखूँ एएमटी वाला, तो एएमटी के हिसाब से 50 प्लस 40 एग्जेम्प्ट वाले को भी ऐड करना पड़ेगा, यानी 90 लाख रुपीज पर 18.5%, 90 लाख रुपीज पर 18.5%, 16 लाख 65 थाउजेंड, 16 लाख 65 थाउजेंड प्लस 4% सेस भी है, 1665 प्लस 4%, 1731600, 1731600। मुझे बताओ ये वाला टैक्स पे करूंगा, ये वाला पे करूंगा, ये है एएमटी, और एएमटी ज्यादा है तो आपको इतना तो एटलीस्ट पे करना पड़ेगा, 17 लाख 31600 ये आपको पे करना पड़ेगा। समझ में आती है बात। अब क्रेडिट की बात करें तो एएमटी आपका बनता है 17 लाख 31600, 17 31600, जिसमें से 15 लाख 60 हज़ार रुपये आप, 15 लाख 60 हज़ार रुपये आपके टोटल टैक्स बनता था, जिसमें से आपने 17 लाख 31600 पे कर दिया, तो माइनस कर देते हैं इसमें से 15 लाख 60 हज़ार, तो ये हो रहा है 171600, 171600, ये आ गया हमारा 171600 आ गया हमारा एएमटी क्रेडिट। क्या आ गया ये हमारा एएमटी क्रेडिट, 171600। समझ में आ गया बच्चों, ये बहुत आसान है एएमटी। एएमटी मैं आपको बता दूं बच्चों, जो सीए सीएस सीएमए वाले बच्चे कर रहे हैं, क्वेश्चन करते करते हर क्वेश्चन में आपने अपना दिमाग लगाना है, और हर क्वेश्चन में ये चेक करना है कहीं एएमटी तो नहीं बनता इसका, हर क्वेश्चन में। मतलब आपको एक इंडिविजुअल का क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन में दिया है कि आपकी इनकम 50 लाख रुपए है, ठीक है, और आपका टैक्स बनता है जी। अब 50 लाख के ऊपर जब आप टैक्स निकालने जाओगे तो आपको दोनों तरीके से टैक्स निकालना है, एक तो नॉर्मल तरीके से जैसे हम निकालते हो, प्लस कंपेयर करेंगे एएमटी, मतलब एएमटी क्या है, जो भी इनकम होगी वो एडजस्ट करने के बाद एडजस्टेड टोटल इनकम जो आएगी उसका 18.5% प्लस सेस तो है ही। समझ में आ गई बात। तो ये आपका एक तरीका होगा, ये आपको करना होगा इस तरीके से। एएमटी हर बार कॉन्सेप्ट में आता ही आता है और एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिसके अंदर मैं आपको क्रेडिट का सिस्टम समझा दूंगा। क्या समझा दूंगा, क्रेडिट का सिस्टम। ये देखो, चलो इस क्वेश्चन को तो मैं यहीं पर कर देता हूँ। ये देखो, फाइंड आउट द एएमटी क्रेडिट एडजस्टमेंट। अब ये देखो आपका असेसमेंट यार 18-19 3 लाख रुपए का नॉर्मल टैक्स बनता था, एएमटी बनता था 5 लाख, तो आपने ऑब्वियसली 5 लाख रुपए पे कर दिए होंगे, इसमें कोई डाउट। अब आपके पास आपने रिक्वायर्ड टू पे 5 लाख रुपए, ठीक है, एएमटी की कोई क्रेडिट एडजस्टमेंट है नहीं, 2 लाख रुपए का आपका क्रेडिट बच गया होगा, 2 लाख रुपए का क्रेडिट आपका बच गया होगा, आपने 2 लाख रुपए क्रेडिट पड़ा होगा।
2 लाख रुपए क्रेडिट आप अगली बार ले लो। अब अगली बार जो क्रेडिट पड़ा हुआ है इसमें से फिर से 4 लाख रुपए का टैक्स या 5.5 लाख रुपए का टैक्स कौन सा रिक्वायर्ड टू पे है? 5.5 लाख मिनिमम तो आपको मिनिमम देना ही देना है। अब आपको देना 5.5 लाख रुपए है बट आपके पास 2 लाख रुपए का क्रेडिट पड़ा है तो आप चेक करोगे कि आपका नॉर्मल टैक्स है 4 लाख, ठीक है, नॉर्मल टैक्स है 4 लाख और आपका रिक्वायर्ड टू पे है 5.5 लाख, तो डिफरेंस कितना है 1.5 लाख रुपए का। तो एएमटी क्रेडिट कितना एडजस्ट करोगे? 1.5 लाख रुपए। तो आप एक्चुअल में पे कितना करोगे? 4 लाख रुपए। क्या अभी भी कोई क्रेडिट बचा है? 50,000 रुपए का क्रेडिट अभी भी बचा है, यस या नो? अब आपके पास पहले वाले केस में 2018-19 में आपने पे किया, आपने पे किया 2 लाख 3 लाख या 5 लाख, क्रेडिट बैलेंस आपका था एएमटी क्रेडिट एडजस्टमेंट, पांच लाख रुपए आपने पे कर दिए, 5 लाख रिक्वायर्ड टू पे है, आपका पास कोई क्रेडिट तो पड़ा नहीं था बट आपने क्योंकि 2 लाख ज्यादा दिया है तो आपने इस चीज का क्रेडिट ले लिया, क्रेडिट बैलेंस। नहीं नहीं क्रेडिट बैलेंस तो आएगा ही नहीं ना अभी, सॉरी क्रेडिट बैलेंस तो अभी क्रेडिट बैलेंस तो है ही नहीं। यहां पर 5 लाख रुपए आपको पे करना पड़ा, 5 लाख रुपए एक्चुअल क्रेडिट, एक्चुअल पेड हो गया, क्रेडिट बैलेंस क्या हो गया? 0। क्रेडिट बैलेंस तो आपके पास अभी भी नहीं है, आपका एक्चुअल पे कर दिया आपने 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का आपने एक्सेस पे कर दिया, ये अब आपको क्रेडिट मिल गया 2019-20 के लिए। आपने पे क्या करना है? नॉर्मल टैक्स 4 लाख या 5.5 लाख आप पे करोगे? ऑब्वियसली 5.5 लाख रुपए। ठीक है, 5.5 लाख पे करोगे जिसमें से आपके पास ऑलरेडी 2 लाख रुपए का क्रेडिट पड़ा हुआ था, ठीक है, आपका ज्यादा अमाउंट कितना है? 1.5 लाख रुपए एएमटी क्रेडिट एडजस्टमेंट हो जाएगी क्योंकि आपने पे करना था 5.5 बट आपने जो आप पे कर रहे हो 5.5 अभी भी आप क्रेडिट एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते पता है? क्योंकि क्रेडिट एडजस्टमेंट सिर्फ तभी होती है जब आपका टैक्स जो है वो ज्यादा आ रहा हो और क्रेडिट कम आ रहा हो, एएमटी कम आ रहा हो, तो एएमटी क्रेडिट एडजस्टमेंट अभी भी नहीं है। ये आपके आंसर एएमटी क्रेडिट एडजस्टमेंट के हैं, निल निल। यहाँ पर भी ये 2 लाख रुपए क्रेडिट यहाँ पर भी रहेगा और यहाँ पर भी आपके पास 1.5 लाख का क्रेडिट और हो गया तो 3.5 लाख रुपए क्रेडिट हो गया। कितने रुपए क्रेडिट हो गया? 3.5 लाख, 1.5 लाख का क्रेडिट और हो गया ना आपके पास। अब आपके पास 6 लाख रुपए का नॉर्मल टैक्स है, 5 लाख रुपए का एएमटी है। ओके, अब ये उल्टा हो गया, टैक्स आपका ज्यादा बन गया। 1 लाख रुपए आपको, आपको रिक्वायर्ड टू पे क्या है? 6 लाख पे करने पड़ेंगे, है ना, 6 पे करने, बट 6 में से आप 1 लाख रुपए एएमटी का क्रेडिट क्या कर दोगे? एडजस्ट कर दोगे। क्या कर दोगे? एडजस्ट कर दोगे और आप एक्चुअल में गवर्नमेंट को कितना पे करोगे? 5 लाख रुपए पे करोगे और आपके पास क्रेडिट बैलेंस कितना रह जाएगा? 2.5 लाख का रह जाएगा। समझ में आया? आपने 12 लाख रुपए का नॉर्मल टैक्स बनता है, एएमटी है 7 लाख रुपए का, तो क्या होगा? अब ऐसे सिचुएशन में फिर से 5 लाख रुपए का गैप है और नॉर्मल टैक्स आप पे करना चाहोगे तो आपका नॉर्मल टैक्स बनता है 12 लाख रुपए रिक्वायर्ड टू पे, जिसमें से एएमटी क्रेडिट की एडजस्टमेंट जो है वो आपकी कुछ बड़ी 2.5 लाख रुपए का क्रेडिट पड़ा हुआ है और आपको 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, तो आप 2.5 लाख रुपए तो एडजस्ट कर ही सकते हो ना भाई, यस और नो? 2.5 लाख एडजस्ट कर देते हैं। अब 2.5 लाख एडजस्ट करने के बाद आपको कितने रुपए पे करने हैं? 9.5 लाख रुपए का टैक्स पे करना है, 9.5 लाख का टैक्स पे करना है। 9.5 लाख का टैक्स पे करोगे, क्रेडिट बैलेंस हो गया आपका 0, क्रेडिट बैलेंस तो अब 0 पे आ गया। अब आगे ये बेटा 7 लाख रुपए है, ठीक है, 7 लाख रुपए का नॉर्मल टैक्स और एएमटी फिर 10 लाख रुपए। अब फिर से आपने ज्यादा दे दिया तो यहां पर मिनिमम तो आपको इतना देना ही होगा। अब इतना देना पड़ेगा तो क्रेडिट तो कुछ है नहीं बट आपका जो अमाउंट एक्चुअल पेड है वो भी 10 लाख रुपए रहेगा और आपका क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा कितने रुपए का? 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का क्रेडिट बैलेंस।
बताओ समझ में आती है बात? क्वेश्चन नंबर फाइव, तो बेसिकली आपकी ये क्रेडिट एडजस्टमेंट के आंसर्स हैं नील, 1 लाख, 2.5 लाख और नील, ये अमाउंट एएमटी क्रेडिट के एडजस्टमेंट के आंसर्स हैं। इज दैट क्लियर? ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स मेरी तरफ से ओवर हो चुका है और एग्रीकल्चर इनकम भी मेरी तरफ से ओवर हो चुका है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बाकी हम लोग अगली क्लास के अंदर, अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो भी पिछले टेस्ट सीरीज हुई हैं, एक तो वो साथ साथ डिस्कस करना स्टार्ट कर दूंगा और कुछ सोचता हूँ जीएसटी के लिए भी, कुछ फटाफट सोचता हूँ कि जीएसटी भी मैं आपको कुछ रिवाइज करा सकूँ। ठीक है, तो बहुत ही जल्द मैं उसके लिए भी कुछ लेके आने वाला हूँ ताकि आप जीएसटी के लिए क्विक रिविजन कर सकूँ। ठीक है बच्चों, टिल देन आज के लिए इतना ही करते हैं। एग्रीकल्चर इनकम एंड एएमटी आई हैव फिनिश्ड, आपको बस जाके रिवाइज करना है और चीज़ों को समझना है। कोई डाउट आए तो आप पूछते ही रहते हो, टेलीग्राम के अंदर पूछ सकते हो। ठीक है, और जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है वो मैं आपके साथ लाइव क्लास में डिस्कस करूंगा। मैं देखता हूं मैं इसको कैसे टाइम मैनेज करूंगा कि मैं आपके साथ लाइव क्लास के अंदर मैं उस वाला टॉपिक को, यानी सॉल्यूशंस जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके सॉल्यूशंस मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन।